पर्यावरण संरक्षित है तो ही जीवन सुरक्षित है। स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए आरकेडीएफ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ कपूर ने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण को संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सृष्टि नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। 17 सितंबर 2021 से 17 सितंबर 2022 तक ग्रुप ने 5 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में आरकेडीएफ ग्रुप ने पहले मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की। इसके बाद यूनिवर्सिटी में सोलर प्लांट के साथ साथ कार्बन प्लांट भी लगाया गया है, जो एशिया में तीसरे नंबर पर आता है। परिचर्चा में शामिल होने आए अतिथियों ने ग्रुप के संचालकों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। आगे सर कैसे देखते हैं ये परिचर्चा हुई है पर्यावरण को लेकर? आपने पर्यावरण पर काफी काम किया है, चाहे कुंभ की बात करें चाहे वर्तमान की बात करें। देखिए, पर्यावरण आज के दौर में सबसे बड़ा विषय है जिसको हमें बचाना है। यो इस कार्यक्रम में माननीय गोपाल आर्य जी को हमने बुलाया था, तो वो आए और उन्होंने पर्यावरण को कैसे हम क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं उसको खराब करने में, और अब हम कैसे उसको बचा सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने काफी चर्चा की और ना हमें बहुत सारे उन्होंने अपने एग्जाम्पल्स दिए कि हमें इसमें कैसे कैसे क्या क्या किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी मोहन यादव जी वो आए थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल जो गोपाल आर्य जी मंत्री की जो हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज हैं कैसे उसमें क्या क्या नियम लागू करें, तो मोहन यादव जी ने उन्होंने बहुत सारे नियम ऐसे किए कि ऐसे हम इको क्लब बनाए जाएंगे विश्वविद्यालयों में और पेपर का यूज नहीं किया जाएगा, तो हमने रिसाइकल्ड पेपर करें जिससे पेड़ मतलब तो पांच जा की बात की है। पांच जा सर क्या है कि वो कैसे तरीके, क्योंकि आपने बहुत काम इस पे किया है, बराबर करते चले आ रहे हैं। गोपाल जी ने कहा है पांच जा को बहुत जरूरी है बचाना, जल जंगल जमीन को करके। साथ में परिचर्चा में कौन कौन लोग थे और किस विषय पर ज्यादा संवाद किया गया? देखिए, परिचर्चा में सारे सरकारी और प्राइवेट सारे वाइस चांसलर थे और बड़े हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे निवेदन पे सब लोग आए, और क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को अपना समय निकाल के और आना ये बहुत बड़ा एक उनका काम है। बात करें आरकेडीएफ ग्रुप ऑफ कॉलेज की, इससे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर देश में बड़ा योगदान रहा। अब आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में लगाया गया था, लेकिन अब आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में सोलर प्लांट लगाया गया है, इसकी क्या क्या खासियत है? और जो जानकार है वो बता रहे हैं एशिया का ये तीसरे नंबर का प्लांट। जी जी जी, देखिए आरकेडीएफ ग्रुप हमेशा ही पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है उसको बचाने में, चाहे हमने हरिद्वार में जब प्लास्टिक फ्री कुंभ किया था वहां पे भी बहुत बड़ी गतिविधि की थी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के साथ। फिर हमने वहां पे प्लास्टिक फ्री कुंभ का हमारा नारा था और उसके लिए हमने बहुत काम किया। उसके बाद हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया क्योंकि हमने देखा कि कैसे पेड़ जो कट रहे हैं उसकी वजह से पेशेंट्स को इतना मुश्किल हो रही है, तो मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया। ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे डॉक्टर वी के सेठी हैं, उनका प्रोजेक्ट है जो हमारे वाइस चांसलर जो रिसर्च के डायरेक्टर हैं, ये एशिया का तीसरा कार्बन कैप्चर प्लांट है। ये सर कार्बन कैप्चर क्या होता है, क्योंकि लोग नहीं नहीं समझ पाते हैं आम आदमी? क्या है कि जैसे ना चिमनीज और उसमें से जब ना पावर प्लांट्स में जैसे धुआं निकलता है तो उससे जो CO2 और वो जो मतलब पर्यावरण को खराब करता है, तो ये कार्बन कैप्चर प्लांट लगा के और उसको हवा से लेके और फिर बायोडीजल के थ्रू और उसके कई सारे आगे हम यूज कर सकते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है कि अभी आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन सुनील कपूर साहब ने घोषणा की थी कि 17 सितंबर से लेके 17 सितंबर 2022 तक 5 लाख पेड़ लगाने का वो उन्होंने एक संकल्प लिया है। सर वो कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, वो कहाँ कहाँ ये सब होगा? देखिए, हमने पिछले हम 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन मेरे दादाजी का भी जन्मदिन होता है, मेरी मदर का भी होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी आता है, तो वो एक सेवा दिवस का, तो हमने पिछले सेवा दिवस में ये किया था कि हमें 1 साल के अंदर 1 लाख पेड़ लगाने, जो हमने उससे कहीं अधिक हमने उसको क्रॉस किया। हमने सीहोर डिस्ट्रिक्ट में काफी पेड़ लगाए, हमारे गांधीनगर क्षेत्र में लगाए, जाटखेड़ी में लगाए,
तो और हम हमारा ही माना पेड़ लगाइए लेकिन उसका फिर उस देखभाल करके उसको वृक्ष के रूप में बनाए। वैसे ही हमने अब इस बार हमने ये संकल्प लिया कि हम 5 लाख पेड़ लगाएंगे। 5 लाख पेड़ के लिए हमने इसको सपोर्ट करने के लिए एक हमने नई चीज शुरू की है पितृवृक्ष करके। जैसे पितृवृक्ष होता है हम अपने श्राद्ध दिन आते हैं और हम अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं जी उनके याद करते हैं तो उनकी याद में हम ये पितृवृक्ष हमने शुरू किया है। 1 साल का हमारा संकल्प कि हर बंदा अपने चाहे वो छात्र हो चाहे फैकल्टी हो सब लोग अपने अपने पूर्वजों की याद में वृक्ष लगाएंगे और फिर उसकी देखभाल भी करेंगे। ये प्रधान सेवक के जन्मदिन पे बिल्कुल मतलब जन सेवा के कार्य से जुड़ने जा रहा है 17 सितंबर से। जी जी सत्रह ये कब प्रदेश में होगा कि पूरे देश में जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी हमारे जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय है हम सब जगह इसको मतलब ना लागू करेंगे और ये सब जगह एक साथ ही हम मतलब इसकी शुरुआत करेंगे 17 सितंबर से। हमारे साथ थे आरकेडीएफ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ कपूर का साफ तौर पर कहना है कि पर्यावरण अगर है तो ही जीवन है। कहीं ना कहीं सृष्टि से मानव का तालमेल एक बेहतर ढंग से किया जाए उसी के चलते आरकेडीएफ ग्रुप बराबर प्रयासरत रहता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अरविंद चौहान।